Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel, Yes You Can, Divya Mishra. So in this video, we are going to study the mole concept. But mole concept padhne se pehle, you need to study the three concepts. That is, first one is atomic mass. The second one is molecular mass. Then you will come to know the molar mass. And before studying this, Avogadro number you need to understand. जब ये तीनों चीज़ें आप कर लेते हो तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और उससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे. बट ये तीनों कॉन्सेप्ट समझने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है. वॉट इज़ एटम बेसिकली? एटम इज़ द इंडिविजिबल पार्टिकल, यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड इट. ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द एलिमेंट. जैसे ही मैं किसी एलिमेंट का नाम बोलूँगी, से एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम मीन इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे सारे एल्यूमिनियम के हैं और हर एक एक एटम उस एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, पोज कर रहा है. इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द एलिमेंट दैट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. और एटम जो है ये इतना स्मॉल है कि माइक्रोस्कोप से भी देखना इस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो इट्स वेरी वेरी स्मॉल. अब एटम स्मॉल है तो ऑफकोर्स अंडरस्टूड सी बात है कि एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा. एटॉमिक रेडियस क्या होता है, देखो दिस इज द न्यूक्लियस और इसके आसपास सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में डिस्क्रीट शेल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेस किए जाते हैं. हमारा ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है हम इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं नैनोमीटर्स. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर. एटॉमिक, क्योंकि एटम छोटा है तो एटॉमिक रेडियस छोटा है. एटॉमिक रेडियस छोटा है तो उसके लिए मेजर करने के लिए यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ यूनिट ना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटी यूनिट है. ठीक है, तो उसको क्या करने के लिए हमने उसके लिए अलग से यूनिट यूज़ कर ली, दैट इज नैनोमीटर. इसको मीटर्स और किलोमीटर्स में नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी छोटी यूनिट है. ठीक है, अब एटम स्मॉल है, एटॉमिक रेडियस स्मॉल है, तो अंडरस्टूड सी बात है हमारा जो एटम का मास होगा, एटॉमिक मास, ये क्या होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा. तो वी शुड हैव सम काइंड ऑफ यू नो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास. तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है AMU. AMU को हम एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर हम इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास, ये दोनों ही इसके नेम होते हैं. ठीक है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 × 10^-24 ग्राम्स होता है. अंडरस्टूड? 1.67 × 10^-24 ग्राम्स हो सकता है, या फिर हम 10^-27 kg भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे हम ग्राम्स ही लेके चलेंगे. ओके, तो हम आ जाते हैं अब इसके बाद कि ये नंबर एक्चुअली में आया कहाँ से, ये अजीब सा अटपटा सा नंबर एक्चुअली में आया कहाँ से, तो इसकी भी एक पीछे स्टोरी है. सबसे पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, केमिस्ट्री में निकालने के लिए यू नीड टू हैव समथिंग एज अ स्टैंडर्ड. आपको किसी चीज़ को स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमने कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है उसको हमने स्टैंडर्ड माना और उसके थ्रू फाइंड आउट किया कि 1 AMU की क्या वैल्यू होती है. तो जब हमने फाइंड आउट किया तो हमें ये पता चला, तो तब हमें ये पता चला कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, या हम कार्बन भी यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है वो रेडिली एग्जिस्ट करता है. और कार्बन को ही हमने क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि कार्बन एक बहुत वर्सेटाइल नेचर का एटम है. जब आप 10th में जाओगे तो यू आर गोइंग टू स्टडी अ रिनाउंड चैप्टर बेस्ड ऑन कार्बन. इसके लिए अलग एक कार्बन आएगा, उसमें आप टॉपिक पढ़ोगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के बारे में और उसकी वर्सेटाइलिटी के बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है. इसके बहुत कंपाउंड्स होते हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, इसलिए हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड यहाँ पर यूज़ किया है. अब ये नंबर आया कैसे कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम,
ये आया कैसे? देखो, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-4। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से पहले वाले शेल में होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ द के शेल, और नेक्स्ट शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ द, ये दिस इज द के शेल, दिस इज द एल शेल। तो के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट आउटर मोस्ट शेल, दैट इज द एल शेल, कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट हेयर इट इज हैविंग ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इस एटम का मास निकालना चाहूँ तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? देखो, इसमें कैसे हम एटम का मास निकाल सकते हैं? तो एटम का मास कैसे हम निकालते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं? यहाँ पे अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे। तो जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनका मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली सिमिलर, सेम नहीं होता है, बट हम इसको सेम ही मान के चलते हैं, ठीक है। हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻²⁷ ग्राम्स। तो ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इतना छोटा है कि हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक मास में कुछ खास रोल प्ले नहीं करते हैं, इसलिए हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या मान के चलेंगे? नेग्लिजिबल यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है तो हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम कार्बन एटम के मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास की बात करेंगे, तो क्या से निकलेगा? 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन भी लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो इसीलिए इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 6 मास ऑफ प्रोटॉन और 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसीलिए ओवरऑल मास क्या हो जाता है एटम पे? न्यूट्रल, जीरो, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज हो गए, न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा अब? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो क्या है? सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 12 मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकती हूँ मैं। तो 12 मास ऑफ प्रोटॉन कितना है यहाँ पे? देखो, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम्स। तो इस ये किसके बराबर है? देखो, 1 AMU के बराबर है। तो मास ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर हो जाएगा? 12 AMU के। इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? AMU। और जब मैं AMU की वैल्यू निकालना चाहूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। अंडरस्टूड? तो इसीलिए मैं यहां पे लिख सकती हूं कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ गई बात कि ये नंबर आया कहां से एक्चुअली में? तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट शेल्स में और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। तो हमारा जब हम उस एटम का मास निकालना चाहेंगे तो हमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के मास को ऐड करना पड़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, 9.1 × 10⁻²⁷ ग्राम। तो बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड करते हैं तो वो आ जाता है ओवरऑल 1 AMU के 12 AMU। तो जब हम कार्बन के मास को 1/12 कर देंगे तो वो 1 AMU के बराबर आ जाता है। तो अब आपको ये सब बातें अगर समझ में आ गई हो तो अब हम आ जाते हैं वापस से एटॉमिक मास में। अब हमें ये समझ में आ गया है कि 1 AMU को हम U भी लिख सकते हैं। तो U मैं जहाँ जहाँ लिखूंगी इसका मतलब साफ है कि वो नंबर किसके बराबर है? 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम्स के बराबर है। अब हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 12 तक के आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो मास निकला, ये यू की जो वैल्यू है ये रिलेटिव है, ये हमने रिलेट करके निकाली है। किसके वजह से? किससे रिलेट करके? कार्बन से रिलेट करके, इसलिए हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। अब अगर एटॉमिक मास की मैं डेफिनेशन बोलूँगी, इट इज़ द मास ऑफ
वन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, लिख सकते हैं, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, लिख सकते हैं हम।